जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। Finally. जो चीज चाहिए थी गाइस आ गई है, मुंह में बर्फ चली गई। डिजास्टर होते होते बचा गई, नीचे टपकने वाली थी मैं, मत मारना। तो मत करना यार, व्लॉग बना रही हूँ मैं। फ्रॉम हेयर नीचे वहाँ साइड आपको गाड़ी छोड़ेगी, उसके बाद आप पूरा वहाँ तक आ रहे, फिर वहाँ पे मैगी ऑमलेट और ये सब चीज़ें मिलेगा, फिर उसके बाद ऊपर तक पुराना है। और अच्छी बर्फ के लिए आप बहुत ऊपर भी जा सकते हो, नहीं अगर नहीं है तो फिर यहाँ तक ही। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे चुके हैं काफ़ी टाइम लगता है, और उसके साथ नीचे उतरते हुए थोड़ी बारिश होने लगी है, और अभी हम लोग एक लेक के इधर हैं। इट्स वेरी प्रिटी लेक, छोटू सा लेक है, मतलब नॉट छोटा सा बट थोड़ा सा यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है तो सुंदर लग रहा है वो। और जब आप रोहतांग से नीचे उतरोगे नीचे साइड, तो आपको एक सामने वाटरफॉल मिलेगा, और वाटरफॉल के इधर पे एक अभी बज रहे हैं कुछ 5 o'clock, और हम लोगों को अभी सिसु भी जाना है, तभी देखते हैं हम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि नहीं तो फिर सिसु नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मोमोज खा के, और फिर हो गया। और इसके बाद हम लोग अब जाएंगे दूसरी जगह, अभी बज रहे हैं 2:30, और उस टाइम मैंने टाइम तो वो गलत बताया था क्योंकि मेरी घड़ी कुछ सिंक नहीं कर रही है, तो कुछ गलत टाइम था, और मुझे बहुत तेज चल रही है हवा के साथ साथ बारिश। चुप चुप हम न पाए। So this is the another cafe that we are trying, और जो हमने already पहले देखा हुआ था कि भाई यहाँ तो जाना ही है करके, so the view from here is very nice, a small waterfall but it's not small, it's big, यहाँ से छोटा दिख रहा है। बाकी हमें व्यू वाली जगह तो कभी नहीं मिल पाती बैठने के लिए, सब ऑलरेडी फिल रहता है, बट अगर मैं दिखा पाऊँ तो तुम लोग देख सकते हो, नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक लेक है, इट्स अ नाइस प्लेस, इसके आजू बाजू वाटरफॉल्स एंड रिवर है जो कि सुंदर सुंदर दिखता है। आफ्टर दैट लेक वी केम टू दिस प्लेस लाहौल कैफे, द प्लेस इज गुड, द व्यू फ्रॉम द कैफे इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोगों ने ये जगह देखा था कुछ काफ़ी पसंद आई, सोचा था कि ट्राई करेंगे, तो अभी हम आए हैं और ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले मोमोज खाए थे गलत टाइप के थे, वो अच्छे हैं, अभी हम दूसरी चीज़ मंगवाइए, तो अभी इसका मैं बताती हूँ आपको कि कैसा है। तो निशी को बहुत पसंद है, तो निशी चीज़ लाइक बहुत बढ़िया है, मतलब जगह के हिसाब से तो अच्छे हैं, बाकी मैं खोज तो हम और जगह पे ट्राई करेंगे। और प्लेस का बता रहा था मुझे तुम लोगों को, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है, बाकी और जगह भी हैं जो पाव से बताते चलेंगे।
नीचे यहाँ पे रुके थे लेक के पास, वहीं से होते हैं। नहीं हम रोड से जाएंगे ना। निकलने के बाद हम लोग गए थे सोलांग वैली। सोलांग वैली में अभी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, कम से कम
9-10 किलोमीटर का ट्रैफिक है, और उसके बाद हम लोग ने फिर जैसे तैसे निकाला, बट हम सोलांग वैली में नहीं रुके क्योंकि हमें एक्टिविटीज़ करनी ही नहीं थी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नहरकुंड आ गए हैं, जहाँ पे भैया ने बताया कि इसका पानी पीने से इतना काफ़ी शुद्ध पानी है ये कि आपको अगर कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम या पेट की कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो जाती है इसको पीने से। तो यहाँ का पानी इतना शुद्ध होता है कि अगर आप पियो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मिनरल वाटर और इन सब से भी इतना ज़्यादा प्योर एंड क्लीन है कि इसको यहाँ पे पियो और घर वालों के लिए भी लेके जाओ। तो यहाँ पे पियेंगे हम और थोड़ा सा घर वालों के लिए भी लेके जाएंगे कि भाई देखो कुछ तो लाए हैं हम बाहर से। तो अभी जाते हैं, बाकी पूरा इसका पूरा वीडियो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, अभी हम जाते हैं और पानी पी। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोगों ने ये इतना भरा है जो लग रहा है कि बिल्कुल फ्रिज से निकाला है अभी। बस अब हम लोग जाएंगे यहाँ से और फिर इसके बाद आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे, और बस जाके हम लोग डिनर करेंगे एंड विल बैक टू द होटल। लास्ट उसने बताया कि लास्ट स्पॉट था हमारा वो नेहरू कुंड जहाँ पे वो पानी का और ये सब बताया। तो अब इसके बाद आए हैं हम म्यूज़िक गार्डन एंड जर्मन बेकरी। अगर आपको जर्मन बेकरीज़ और पैनकेक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है तो डू कम एंड विजिट हियर, मैं सच में रिकमेंड करूँगी ये जगह क्योंकि इट्स वेरी टेस्टी। एंड अगर आप इसका साइट सीन देखोगे, अगर इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी जो नेक्स्ट इसमें वीडियो आएगा आप उसमें बताती हूँ कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। मतलब शाम को अगर बैठ के चिल करना है, वाइब करना अपने दोस्तों के साथ, इट्स वेरी नाइस। हल्का हल्का म्यूज़िक, दोस्त, पानी और क्या ही चाहिए। आफ्टर दैट बेकरी हम लोग यहाँ पर नीचे आए हैं उस जगह से, क्योंकि हमें रिवर साइड बैठना था और अभी हम लोग एक भी बार नहीं बैठे थे। तो और इसके ऊपर साइड पूरे कैफेज हैं रिवर साइड, जहाँ पे भी सूट होए जिसको भी जो भी सही लगे वो खा सकता है। बाकी तो आई एम लविंग दिस प्लेस। आफ्टर फिनिशिंग पूरा शॉपिंग एंड ऑल, हम लोग यहाँ पे पूरी शॉपिंग करी, मतलब इट्स लाइक विंडो शॉपिंग। और उस टाइम मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा था तो मैंने नहीं ब्लॉक किया कि मैं कहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, बट मैं ऐसे सोच रही हूँ कि रूम पे जाने के बाद मैं सब चीज़ें बताऊँ कि हमने कहाँ से क्या लिया है, बस बट ये नहीं बता पाऊँगी कि कौन से शॉप से क्या लिया है। एंड आफ्टर दैट वी केम टू दिस प्लेस, क्योंकि हमें कुछ खाना था, डिनर नहीं किया था, तो सोचा कुछ ट्राई करते हैं। लाइव म्यूजिक भी चल रहा था तो आई लाइक दिस प्लेस, द वाइब इज़ गुड, द पीपल आर गुड। एंड उसके बाद आई थिंक दिख रहा होगा, और अगर नहीं तो फिर मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखाऊंगी और आई टेल यू द प्लेस नेम, जो कि मुझे भी नहीं पता अभी तक। और इग्नोर दिस लुक क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड अभी, आई एम नॉट कीपिंग वेल। और आई होप कल का जो भी ब्लॉग होगा वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं एंड आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग नाउ। तो जैसे मैं कहती हूँ कि घर वालों का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा, घर वालों को खुश रखो। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, हैपन गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।
I'm not afraid of the dark.